आप सभी को मेरा नमस्कार। हम खड़े हैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर के मुख्य द्वार पर, जो कि माकूपुरा में स्थित है और पर्वतपुरा चौराहे से आगे चलने पर सबसे प्रथम बहुतकनीकी महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय के दो गेट हैं। प्रथम गेट बंद रहता है और आगे बढ़ने पर ये जो दूसरा गेट है ये मुख्य प्रवेश द्वार है। आइए हम इसके अंदर एंटर होते हैं। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले छात्रों के लिए पार्किंग है। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, और सामने आप देखेंगे तो ये जो बीच में घास दिख रही है ये क्रिकेट का मैदान है। दाहिनी ओर आप देखेंगे तो स्टाफ पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और ये स्टाफ के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। सर्वप्रथम आप देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, संस्था का नाम राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, लोक सूचना अधिकारी अर्थात हमारे प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार जैन। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमारा कार्यालय भवन एवं प्राचार्य कक्ष और उसके उपरांत आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर मुड़ने पर मुख्य ब्लॉक है और बाईं ओर मुड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग है। ये हमारा मुख्य ब्लॉक है। इसी मुख्य ब्लॉक से पहले ही छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकालय भवन है एवं मुख्य भवन द्विमंजिला है, जिसके प्रथम तल पर प्रथम वर्ष की कक्षाएं आयोजित होती हैं एवं भूतल पर तीन विभाग, जिसकी बाहिनी ओर इलेक्ट्रिकल विभाग, दाहिनी ओर यांत्रिकी विभाग एवं मध्य में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल विभाग का संचालन होता है। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कार्यशाला मेन ब्लॉक के जस्ट पास वाली बिल्डिंग में है और इसके पश्चात हमारा प्रिंटिंग विभाग का ब्लॉक है। छात्र छात्राओं के लिए कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके पश्चात हमारा सिविल विभाग आता है। तो यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए आपका 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ संचालित 7 कोर्सेज में आप प्रवेश ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, सिविल और प्रिंटिंग। सिविल में रेगुलर के साथ साथ SFS कोर्स भी संचालित है। तो आप अखबारों में विज्ञप्ति देखते रहें, प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनती है एवं सेंट्रलाइज्ड और डायरेक्ट एडमिशन दोनों प्रकार से प्रवेश होते हैं। तो आप यहां प्रवेश लेकर अच्छी नौकरी पाने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद।